वो मैंने किसी बुजुर्ग से सुना है कि कहते हैं कि इंसान की एक नेचर है कि वो सारी ज़िंदगी पैसा कमाने के चक्कर में सेहत गवा बैठता है, और फिर सेहत पाने के लिए जो पैसा हासिल किया होता है वो गवा बैठता है, किसी चक्कर में वो सर्कल में घूमता रहता है। थ्री कोर की कॉम्पिटेंसीज विच अ सीईओ और अ चेयरमैन मस्ट है, एक आपकी हार्ड वर्किंग और नीयत, नीयत अच्छी होनी, बेसिक सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये दो हैं, और इससे पीछे जो इसके ऊपर जो सोने पे सुहागा है कि वो जो आपको सपोर्ट करती है वो फाइनेंस के बगैर नहीं हो सकता। लेकिन लेकिन वो फाइनेंस भी अगर आपके पास बहुत अच्छा नहीं, आपकी स्पीड स्लो ज़रूर हो जाती है, लेकिन अगर आपकी नीयत ठीक है, आप हार्ड वर्किंग हैं, तो वो स्पीड फाइनेंस कमज़ोर होने के बावजूद अल्लाह ताला उसमें मदद करता है और तेज़ हो जाती है। लीडर वही होता है जो अपने हाथों से करके दिखाए एक दफ़ा, सेल्फ एग्जाम्पल। अगर वो खाली दूसरों के ऊपर फेंक देगा ना कि जी आप ये करके लेके आए, करके तो लेके आएंगे, और फिर वो सिलेक्ट करना पड़ेगा कि वो व्हाट काइंड ऑफ पीपल हु यू हैव। इसके अंदर ज़रूरी है कि जिस बंदे को भी आप सिलेक्ट करके रखें ना, आप उसको गाइड करें। वो एक दफ़ा नहीं समझ आई, दो दफ़ा समझाएँ, तीन दफ़ा समझाएँ, इवन के 10 बार उसको बार बार समझाएँ, उसी को एजुकेट करें, उसको ट्रेन करें। अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी ना, तो आप लोग ज़िंदगी में कभी कामयाब भी नहीं हो सकते। एक दो तीन दफ़ा ट्राई की, हार गए, हिम्मत हार गए, तो इसमें नहीं। मेरे एक उस्ताद थे जिनसे मैं मौसीकी भी सीखा हूँ, तो उनका एक लफ्ज़ मुझे आज तक याद है, और मैं आगे लोगों को भी कहता हूँ कि कोई भी काम हो, कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, बार बार करने से बिल आखिर वो आ जाता है। अल्लाह ताला ने ये एबिलिटी दी है अशरफुल मखलूकात को, कि उसको ख़ुद भी नहीं पता कि अल्लाह ताला ने उसको क्या कुछ दिया हुआ। अल्लाह ने बहुत नेमतों से नवाजा उसको, अगर वो हिम्मत नहीं हारता, बार बार करता है, तो कोई भी चैलेंजिंग जॉब हमें मिलती है तो मैं चैलेंजिंग जॉब जो है ना वो शौक से लेता हूँ। मतलब आपको अपनी इस अचीवमेंट पे यू आर प्राउड ऑफ कि यू वांट टू एक्सेप्ट चैलेंज, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे उस पे वो कामयाब करता है। आर यू हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ ग्रेजुएट्स ऑफ यूनिवर्सिटी आर गिविंग नाउ? आजकल के जो बच्चे हैं ना, ये जब आते हैं हमारे पास काम करने के लिए, इंजीनियर्स खासकर, तो ये हार्ड वर्किंग नहीं है। ये कहते हैं जी हमारे पास जब आए तो हमें ऑफिस का एसी वाला कमरा मिले, घूमने वाली कुर्सी मिले, और गाड़ी की चाबी हाथ में, और करना कुछ ना पड़े। मैंने सुजेशन भी दी थी यहाँ पर यूनिवर्सिटी पॉलीमर डिपार्टमेंट में हम लोगों ने, कि बच्चों के साथ एक साल का इसके अंदर जो आपका हाउस जॉब है वो इस डिग्री के साथ अटैच कर दें, उसको कंपलसरी कर दें। अगर 4 साल है तो उसको 5 साल कर दें। जब तक उनको खुद पता नहीं होगा, किताबों में जो लिखा होता है वो कुछ और होता है, जब वो हाथों से करके पढ़ रहे होंगे तो वो सोने पे सुहागा होगा। तो मज़ा में मुझे अच्छा लगता है। एक ज़माने में मैं बड़ा अच्छा एक लाइक का कह लें कि लतीफ़ा गो था, लतीफ़े सुनाना, सुनना, हंसना हंसाना, लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी में संजीदगी आती गई, काम में मसरूफियत होती गई, तो ये इसको मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये मैंने अपने आपके साथ ज्यादती किया है, ये मिस कर दिया, ये मसरूफियत इतनी बढ़ा ली कि इस चीज़ से मैं दूर हो गया। लेकिन आज भी जब कभी मुझे कोई इस तरह जैसे मौसीकी है, इस तरह की गैदरिंग भी मिलती है, तो मैं समझता हूँ कि मैं मेरी थकावट दूर हो गई।